नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और राज्य के 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एसआईटी रिपोर्ट का दावा, गुजरात सरकार अस्थिर करने के लिए तीस्ता तिलवार को मिला था कांग्रेस से फंड। सोनिया गांधी ने अपनी तिजोरी से तीस्ता तिलवार को दिए थे पैसे, भाजपा ने बोला कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस ने अहमद पटेल पर लगे आरोपों पर किया पलटवार, पीएम मोदी पर साधा निशाना। कुछ देर में पीएम मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण, ₹1 प्रति किलोमीटर लगेगा टोल टैक्स। श्रीलंकाई क्रिकेटर ने बताया हाल पेट्रोल के लिए 2 दिन लाइन में खड़े रहे, प्रैक्टिस के लिए भी नहीं जा पा रहे। पीएम मोदी के दौरे के बीच माहौल बिगड़ने की साजिश, दो पक्षों में जमकर गाली गलौज और मारपीट, भारी फौज तैनात। संसद में अब पर्चे और तख्तियों पर भी रोक, ए चोरी बोले विफल होगी लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश। दिल्ली में कब होगी बारिश, यूपी और बिहार में कब बरसेंगे बादल, जाने मौसम का ताजा हाल। पत्रकार जमाल खामोशी की हत्या के लिए आप जिम्मेदार, सऊदी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात, ऐसा क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति। न्यूज पोर्टलों पे भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन, केंद्र सरकार ला रही है विधेयक, खत्म होगा 155 साल पुराना कानून। तो दोस्तों चलिए के खबरों को विस्तार से जानते हैं। एसआईटी रिपोर्ट का दावा, गुजरात सरकार अस्थिर करने के लिए तीस्ता तिलवार को मिला था कांग्रेस से फंड। एसआईटी ने कहा कि तिलवार 2022 में गोंदरा में ट्रेन जलने की घटना तुरंत बाद गुजरात में निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए एक बड़ी साजिश रच रही थी। यही नहीं, इसके लिए उन्हें प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के एक बड़े नेता से वित्तीय सहायता भी मिली थी।